जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कपिवा शिलाजीत वर्सेस कपिवा शिलाजीत गोल्ड के बारे में। दोनों में से आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, कौन सा बेहतर रहेगा, किसके रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, कौन सा परचेस करना चाहिए और क्यों परचेस करना चाहिए, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको सारी की सारी जानकारी अभी देने वाला हूँ। तो देखिए, यदि मैं आप लोगों से बात करूँ भाई शिलाजीत के बारे में, तो यहाँ पर देखें आप सभी लोगों को पता है भाई शिलाजीत को अभी के टाइम में स्पोर्ट्स के लिए यूज करा जा रहा है, परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए, वर्कआउट अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, इनके सब के लिए यूज करा जा रहा है। वो एक नॉर्मल पहले था कि भाई वाइटलिटी के लिए यूज करा जाता था, पर अब यहाँ पर दूसरी चीज के लिए भी यूज करा जा रहा है। मतलब पहले भी होता था, पर पहले इतना लोग जागरूक नहीं थे। अभी के टाइम में सबको पता चल रहा है, उसका प्रमोशन थोड़ा और तरीके से हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जरूरी नहीं टेस्टोस्टेरोन एक ही काम में यूज होता है। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है, आपको भाई मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है, जो कि आपके परफॉर्मेंस इनहेंस करने में हेल्प करता है। चाहे अगर आप ड्रग्स में भी देखें, तो ड्रग्स में भी टेस्टोस्टेरोन ही सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी परफॉर्म बढ़िया करेगी, आप एग्जॉस्ट नहीं होगी, आपकी मसल फटीग नहीं होगी, आपको थकावट नहीं लगेगी, आपके मसल्स में पावर काफी ज्यादा रहेगी, और दूसरी बात आपकी स्टेमिना में कभी कमी नहीं आएगी टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के कारण। तो ये जो सप्लीमेंट है शिलाजीत भी, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, ये आपके यही बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब भाई कपीवा की बात करें जाए, जो नॉर्मल कपीवा ब्लैक वाला आता है और गोल्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप जाने। देखिए, जो कपीवा जो नॉर्मल शिलाजीत है, उसके अंदर केवल आपको शिलाजीत देखने को मिल जाता है, केवल शिलाजीत है, शिलाजीत उसके सिवा कुछ नहीं। दूसरा जो गोल्ड फॉर्म है, उसके अंदर चार एक्स्ट्रा चीज एडेड है, शिलाजीत के साथ चार एक्स्ट्रा चीज एड है। कौन कौन सी? गोक्षुरल, अश्वगंधा, काली मुसली और एड है स्वर्ण भस्म। ये चार एक्स्ट्रा चीजें ऐड है, जो कि उसको नॉर्मल शिलाजीत से अलग बनाती है। अब क्यों ऐड है ये भी जान लीजिए, क्या फर्क आ जाएगा अगर भाई आपने नॉर्मल शिलाजीत लिया और ये गोल्ड वाला लिया। देखिए, फर्क ये आएगा, वो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा केवल, ठीक है, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करेगा, परफॉर्मेंस एनहांस करेगा, स्टेमिना बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपको चाहिए मसल रिकवरी, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करना है, आपको चाहिए कि भाई आपको डीप स्लीप आए, माइंड आपका रिलैक्स रहे, स्ट्रेस थोड़ा कम हो, स्ट्रेस ऐसे कोई वैसे मेडिसिन नहीं आती स्ट्रेस कम करेगी, पर हाँ हॉर्मोन्स रिलीज करवाती है, जो कि इसके अंदर जो हर्ब्स पड़े हैं वो हॉर्मोन रिलीज करवाती है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको डीप स्लीप आती है, आपको काफी अच्छा लगता है, रिलैक्स होती है, मसल्स में जो स्पाज्म है, जो इन्फ्लामेशन है वो कम होता है, जॉइंट्स में पेन कम होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हर्ब्स पड़े हैं ये सारी की सारी चीजें आपके मेनली स्पोर्ट्स में काम आती है। अगर आपको इंजरीज हैं, ये सब चीजें हैं, तो यहाँ पर ये सब काम आती है। इसका मतलब आप नॉर्मल कपीवा नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, पर अगर आपको देखना है कि भाई बिल्कुल स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला, कि भाई हाँ सारी की सारी चीजें एक के अंदर हो, जैसे बहुत सारे लोगों को भाई शिलाजीत लोग लेते हैं, शिलाजीत के बाद गोक्षुरा अलग से लेना पड़ता है, भाई मेरे को ये दिक्कत है, मैं जिम कर रहा हूँ गोक्षुरा भी लूंगा, मैं अश्वगंधा भी लूंगा, तो जब आपको ऑल इन वन चीजें आपको 1300 मतलब 1650 कितने के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, 1000 रुपए का शायद दिया आता है आपका 20 ग्राम का, और 1350 या 1400 का आपका गोल्ड वाला फॉर्म में आता है। अगर आपको 400 रुपए फालतू दे करके सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि एडिक्वेट अमाउंट में आप जितनी सर्विंग ले रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जितना एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिस हर्ब्स की, वो आपको एक सर्विंग में देखने को मिल जा रही है, तो आपको क्या ही परेशानी है। मतलब आपको अगर स्पोर्ट्स के लिए यूज करना है, आप अलग अलग सप्लीमेंट बाय करते हैं, तो जब आपको सारी चीजें एक के अंदर ही मिल जा रही है, आपको ये नहीं देखना कि भाई कितना नाप करके गोक्षुरा डालूं, कितना ये खाऊं, सबको अलग अलग निकाल के खाने की टेंशन नहीं है, सारी की सारी चीजें जब आप एक में ही लेकर के कंज्यूम कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, आपका इतना एफर्ट नहीं लगेगा भाई हाँ मेरे को ये भी खाना है ये भी खाना है, सबकी अलग अलग टाइमिंग नहीं होगी, सब सारी चीजें आपको एक ही बार में आप कंज्यूम करके अपना टाइम बचा सकते हैं, रिजल्ट आपको वही सेम देखने को मिलेंगे, तो क्यों ना आप इसको ले, अलग अलग चीजें ना परचेज करें। तो बस यही एक मेन डिफरेंस है जो कि आपको इन दोनों में देखने को मिलता है, चार एक्स्ट्रा चीजें जो कि मेनली आपके स्पोर्ट्स में यूज होते हैं ज्यादातर, बहुत सारे लोग यूज करते हैं अदर पर्पज के लिए भी, हाँ नॉर्मल इम्यूनिटी बूस्ट करना या कुछ प्रॉब्लम हुई वीकनेस आ रही इन सब चीजों में भी यूज होता है, पर बेसिकली जो कपीवा शिलाजीत गोल्ड को डिजाइन करा गया है वो इसीलिए डिजाइन करा गया है, और बाकी जो कपीवा शिलाजीत नॉर्मल वाला है वो आपकी डेली रूटीन में आपकी वीकनेस है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, स्ट्रेंथ कम है, स्टेमिना कम है, उसके लिए है, और बाकी अगर आपको स्पोर्ट्स के हिसाब से देखना है, मैंने जो भी अभी आपको बेनिफिट बताया वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब वही बात है, मैंने आपको बताया कि भाई टाइम बच जाता है अलग अलग चीजों से लेने से, कि भाई अब ये खत्म हो गया क्या देखना पड़ेगा, भाई ये स्वर्ण भस्म खत्म हो गया, काली मुसली खत्म हो गई, तो सारी चीजें जब आपको एक में मिल जाती है तो सारी चीजें एक साथ खत्म हो गया, जब बाय करेंगे वो आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। और बाकी रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं, मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आप 20 दिन लेकर के देखेंगे लगातार, आपको मतलब कह रहा हूं यकीन मानिए, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आपको खुद दिखेंगे, पावर आपको खुद फील होगी, आपकी मसल्स में रिकवरी आपको कुछ अच्छी दिखेगी, मसल्स में आपको पंप काफी अच्छा देखने को मिलेगा, ये सारे डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और बात करीजिए नॉर्मल पर्सन की,
हाँ नॉर्मल पर्सन के लिए भी काफी अच्छा है, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। आपकी बॉडी में फिटनेस तो बनी रहेगी, थकेंगे नहीं अगर आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वीकनेस रहती है आपकी बॉडी में, लेजीनेस रहती है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, मैंने इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दे दी कपिवा शिलाजीत तो कपिवा शिलाजीत गोल्ड के रिगार्डिंग। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा परचेज करना है। वैसे दोनों में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि अब आपको पता चल गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।